लवीज, हाउ आर यू ऑल, कैसे है मेरे लवीज आर्ट भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 3rd of March को है बहुत स्पेशल दिन, बहुत खास दिन आपकी ही मैनिफेस्टेशन का, और इस दिन हम सब लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए 2 ऐसी खास टेक्निक करेंगे जिससे कि हमें जल्दी रिजल्ट्स मिले। आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ बहुत सारे पोर्टल्स पर रिचुअल करते हुए आ रहे हैं और अब 3rd of March को पड़ रहा है बहुत स्पेशल पोर्टल। इस दिन आपको 2 टेक्निक करनी है, मैं दोनों टेक्निक का तरीका बता रही हूँ कैसे करना है, कब करना है, और कुछ खास बातें हैं इस पोर्टल की, इस महीने की, जो मैं आज आपको वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। तो वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। डेली रीडिंग्स, गाइडेंस, रेमेडीज के लिए जहां मैं आपकी हेल्प करती हूँ आपकी मैनिफेस्टेशंस को और ज्यादा आसान कर देती हूँ। ये जो मंथ है ये 3 चीजों पर पूरा बेस्ड है। पहला है आपकी पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर। जी हाँ, पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर, जितना ज्यादा जितना हाईली आप पॉजिटिव रहेंगे उतनी जल्दी आप अपनी मैनिफेस्टेशन को, अपनी विश को पूरा करोगे। देखो हमारे लिए आसान नहीं होता 24 घंटे पॉजिटिव रहना, लेकिन हमें माइंड को कंट्रोल करना या अपने माइंड को पॉजिटिवली यूज करना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता है। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को करना है, नो मैटर कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन आ जाए, आपका भरोसा यूनिवर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसके लिए आपको पॉजिटिव अफर्मेशन से यही करना है, बस पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना है। मतलब खुद की एनर्जी हैम्पर नहीं होनी चाहिए, खुद की एनर्जी खराब नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज ऑल अबाउट योर पॉजिटिव एनर्जी। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल ग्रोथ का। स्पिरिचुअल ग्रोथ मतलब ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ करें, ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जाप करें, ज्यादा से ज्यादा, यू नो, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप घंटों भर मंदिर के सामने बैठे हुए हैं या अपने घर के मंदिर पर बैठे हुए, नहीं, दिल से भगवान को ध्यान करें, दिल से भगवान के भगवान का नाम लें, अपने आप को कोशिश करें स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज करें। शिवरात्रि का महीना है, बहुत स्पेशल महीना है ये, स्पिरिचुअल ग्रोथ आप अपने अंदर एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो इंसानों से कनेक्ट करने की जगह मैं तो बोलूंगी भगवान की पूजा पाठ करिएगा, भगवान के नाम का जाप करिएगा, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा, वो आपको ज्यादा मोटिवेट करेगा और आपको लाइफ में आगे एक अच्छे पाथ की तरफ लेकर जाएगा। ओके, तो पॉजिटिव रहना है और साथ ही साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ भगवान के साथ कनेक्ट करना है, वो आप मेडिटेशन के फॉर्म में करो या आप उनके मंत्रास चैंट करो। बहुत सारे मेरे बिगनर्स फैमिली भी ये वीडियो देख रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है हमें नहीं समझ में आता, तो मैं आपको बता देती हूँ। कोशिश करना पूरे दिन में 10 से 15 मिनट, जी हाँ लाइट चली गई है, क्या करें, 10 से 15 मिनट आपको कोशिश ये करना है कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करना है, या तो भगवान के नाम का जाप करें, जिन भगवान की आप पूजा करते हैं, जिन भगवान की आप पूजा करते हैं सबसे बेस्ट है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत मदद करेगा। तो आप वो थेरेपी भी कर सकते हो, 10 मिनट्स चैंटिंग ऑफ मंत्रा। दूसरा आप ये कर सकते हो, अपने घर के मंदिर के पास बैठ जाएं, वह भगवान जी का नाम लें, कोई मंदिर चले जाएं, कोई अच्छा कर्म करें, गौ माता को कुछ खिला दें, मतलब कुछ भी पॉजिटिव आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जरूर करना चाहिए। बट सबसे बेस्ट होता है 10 मिनट आपको रोज चैंटिंग ऑफ मंत्रा करना है। अब आप वो सुनकर करो या आप वो चैंट करके करो, पीरियड्स में कम से कम 5 से 7 दिन आपको स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से अवॉइड करना है। वीडियो तो मैं पूरा बनाऊंगी, भली लाइट चली गई है, मैं कैसी भी लग रही हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप तक ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए। तो जो पहली चीज बताया है, यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। सेकंड चीज, आपको स्पिरिचुअलिटी के थ्रू कनेक्ट करना है। 3-3 पोर्टल वाले दिन आपको 3 चीजें करना है। अब आप कोई एक कर सकते हो, कोई 2 कर सकते हो, या आप 3 कर सकते हो। अब मैं बताने वाली हूँ इन 3 टेक्निक को कैसे करना है, और एक चीज में मैं आप लोग की बहुत हेल्प करने वाली हूँ, दैट इज 3rd of March को रात को 9 बजे मैं एक बहुत स्पेशल वीडियो पोस्ट करूंगी, मेडिटेशन 3-3 पोर्टल का, जो मैं खास वीडियो आप लोग के लिए पोस्ट करूंगी, आपको उसको चेक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर इस समय आपको बहुत ज्यादा 333 नंबर दिखे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा संकेत है, डिवाइन आपके साथ कनेक्ट कर रही है। ये महीना है 3rd March का, मतलब तीसरा महीना है साल का, तीसरा महीना विथ 3-3 पोर्टल, ये महीना बहुत खास होने वाला है। इस महीने आप अपने अंदर सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा फील करने वाले हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप के अंदर आप बहुत सारे चेंजेस को फील करने वाले हैं। ये समय अपने लक को इन्हांस करने का है, अपने लक को इन्हांस करिए। कैसे करना है, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू कनेक्ट करना है। मतलब अपने आप को ना एक पॉजिटिव ऑरा के अंदर रखो, और पॉजिटिव ऑरा के अंदर रखने की जिम्मेदारी आपकी है। फालतू लोगों से गॉसिपिंग मत करो, नेगेटिविटी के अंदर इंडल्ज मत हो, लोग कितना भी गंदा बोले, गलत बोले, जस्ट बी पोलाइट, बिकॉज कर्मा इज वर्किंग एवरी सिंगल टाइम। तो कोई कुछ भी बोल रहा है, लेट देम से,
आपकी एनर्जी खराब नहीं होनी चाहिए, आपको खुद से बहुत बहुत पॉजिटिव फील करना है और फिर आपको डिवाइन के मिराकल्स देखना है। महीना एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अवेयरनेस की बात यह है कि जितना हो सके जिससे भी आप बात करें हेल्दी कम्युनिकेशन बनाना जरूरी है। मैंने बोला ना, कोई कितना भी नेगेटिव बोले आपकी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। जितना प्रॉपरली लोगों के साथ कम्युनिकेट करोगे, जितना प्रॉपरली लोगों के साथ ओपन रहोगे, ओपन कम्युनिकेशन रखोगे, इट विल बी मोर फेवरेबल। अब इतना ओपन भी मत हो ना कि लोगों को अपने सीक्रेट्स बताने लग जाओ या लोगों के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने लग जाओ। नहीं, जो चीज बेस्ट है, जो चीज करना चाहिए, उस पर आप आगे बढ़िएगा। अदरवाइज यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव थ्रू आउट दिस मंथ। अब बात करते हैं कौन सी तीन टेक्निक आपको करना है 3-3 पोर्टल वाले दिन, जो कि बहुत खास है और बहुत स्पेशल है। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर, मेन बात पर। देखो, तीन चीजें बता रही हूं मैं आपको, ठीक है? 3 things आई एम गोइंग टू शेयर। जो पहली दो चीजें होंगी वो पीरियड्स में कर सकते हैं, जो थर्ड वाली टेक्निक होगी वो आप पीरियड्स में नहीं करेंगे। ये मैं पहले बता रही हूं कैसे करना है आपको। इन रिचुअल्स को 3 मार्च को स्टार्ट करना है। कब करना है? 3 मार्च को स्टार्ट करना है। और 3 मार्च को आप जब स्टार्ट करेंगे, कोई भी एक विश के साथ आपको इसे शुरू करना है। कोई भी एक इच्छा ले लो, वो लव की हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकती है, कैरियर हो सकती है, प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, वेट गेन, हाइट गेन, हेल्थ, एनीथिंग। लेकिन कोई भी एक विश, क्या हम किसी और के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल, आप किसी और के लिए भी कर सकते हो, लेकिन कोई एक विश पर आपको काम करना है। शुरुआत करना है 3 मार्च 2024 से, और 21 डेज तक आप इसे रोज करेंगे। 21 डेज के बाद इसको लेट गो कर देना है, छोड़ देना है, डिवाइन को सरेंडर कर देना है। टेक्निक नंबर 1, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप सब लोगों को विजन बोर्ड क्रिएट करना है। जी हाँ, ये समय है पॉजिटिविटी के साथ अट्रैक्ट करने का। तो डिवाइन को आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू बताना है कि मैं ये चीज चाहता हूं, ये चीज चाहती हूं। विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं? विजन बोर्ड बनाना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो डाल दिया, आप चेक कर लीजिए। विजन बोर्ड प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि ये जो समय है मेडिटेशन का है, कनेक्टिविटी का है, ग्रोथ का है। तो जो आप माइंडसेट बनाओगे वही आप मैनिफेस्ट करोगे। और इसको ईजी करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग अपनी बातें कन्फेस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, डिवाइन को बता नहीं पाते, विजन बोर्ड आप लोग बनाएंगे। विजन बोर्ड का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हैं। अब विजन बोर्ड की रेमेडी आप कोशिश करें सुबह उठते से करें तो बहुत अच्छा है, और जब रात को सोने जाते हैं उसके आधे घंटे पहले कर ले तो बहुत अच्छा है। ये दोनों समय विजन बोर्ड के लिए सबसे परफेक्ट है। कोई भी पता है इच्छा मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, जिसमें स्ट्रगल हो रहा है, पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है, माइंड में एक नेगेटिविटी भरी हुई है, माइंड में बस एक फ्रस्ट्रेशन भरी है, विजन बोर्ड सबसे जल्दी हेल्प करता है। तो आप सब लोगों को विजन बोर्ड बनाना है, कोई एक विश के लिए ही करना है, आई रिपीट। क्योंकि यूजुअली मैंने आपको सिखाया विजन बोर्ड्स में अलग अलग आप गोल्स ले सकते हो, लेकिन एक विश के लिए लो। भले मल्टीपल पिक्चर्स निकालो, आप पिंटरेस्ट पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, कहीं पर भी मिल जाएगा, लेकिन आपको एक विश के लिए से करना है। तो पहली चीज जो है, विजन बोर्ड बना ले, अपने ही मोबाइल पे बना ले अगर पॉसिबल है, वरना आप एक डेकोरेट करके एक अपनी स्क्रैप बुक में या ड्रॉइंग बुक में भी पिक्चर्स लगा सकते हैं, मर्जी आपकी है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी फोन पे बना लो, ज्यादा है प्रेफरेबल है, और हाइड करके रखना है। अब उसका वॉलपेपर मत बना लेना, या सबको मत दिखाना कि मैंने विजन बोर्ड बनाया है, वो आप तक पर्सनल रहना चाहिए। और 21 डेज तक आपको रोज विजन बोर्ड टेक्निक को फॉलो करना है। तो ये आपकी पहली टेक्निक हो गई है, द फर्स्ट टेक्निक इज योर विजन बोर्ड। अब आ जाते हैं सेकेंड टेक्निक, जो आपको प्रैक्टिस करना है वो है 10 मिनट्स मेडिटेशन। जी हाँ, 10 मिनट्स मेडिटेशन। कौन सा मेडिटेशन करना है? वो मेडिटेशन मैं 3 मार्च की रात को 9 बजे पोस्ट करूंगी। आपको उसको 21 डेज तक रोज करना है, और आप उसे पीरियड्स पे भी कर सकते हो, सिर्फ सुनना है। सारी चीजें मैं बनाकर आपको दूंगी, पूरा वीडियो मैं आपको बनाकर यूट्यूब पर पोस्ट करूंगी, तो इट विल बी ईजी फॉर एवरी वन। तो आप लोग सब कोशिश करें, मेडिटेशन करें। अगर विजन बोर्ड नहीं बना पा रहे हैं, या जो 3 वाली रेमेडी दे रही हूं आप वो नहीं कर पा रहे हैं, तो बस आप ये मेडिटेशन सुन लेना, जो बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है। और आप लोग अगर डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी 21 डेज को आपको उस मेडिटेशन को रोज रात को सोने से पहले सुनना है। मैम, हम तो कोई और टेक्निक भी कर रहे हैं, पिंक एनर्जी कर रहे हैं, या हम विस्पर मेथड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको भी करना है, लेकिन करना जरूर है, ये मेडिटेशन बहुत स्पेशल होगा फॉर दिस
पोर्टल। मेडिटेशन भी आपको रोज करना है, ये नहीं कि एक दिन कर लिया एक दिन नहीं करा, कंसिस्टेंसी के साथ करना है, 21 डेज तक करना है। देखो पता है जब हम कोई भी टेक्निक करना शुरू करते हैं, मैनिफेस्टेशन करना शुरू करते हैं, भगवान हमारा बहुत टेस्ट लेते हैं। कभी हम टेक्निक करना भूल जाते हैं, कभी कुछ चीज मिस हो जाती है, कभी कुछ चीज मिस हो जाती है, तो ये जो टेस्ट होता है ना ये डिवाइन लेते रहते हैं आपका। तो आप कोशिश करें जितना कंसिस्टेंसी के साथ कर सकते करें, बहुत काम आ जाएंगे बीच में, बहुत हर्डल्स आ जाएंगे, ऐसा होता है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स दिस वर्क। द फर्स्ट रेमेडी इज विजन बोर्ड, द सेकेंड रेमेडी इज 3-3 पोर्टल मेडिटेशन, जो मैं 3 मार्च को पोस्ट करूंगी, जो आप पीरियड्स में कर सकते हैं। ये दोनों रेमेडीज आप पीरियड्स में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर 3-3 पोर्टल बहुत खास होने वाला है माय डियर। ये पूरा महीना बहुत मैसिव ग्रोथ का है और डिवाइन के अकॉर्डिंग अगर आपको मैसिव ग्रोथ की तरफ बढ़ना है, स्टार्ट विद मेडिटेशन, वहीं से आपका माइंड ट्रेन होना, कंट्रोल होना अपने आप शुरू कर देगा। नाउ द लास्ट रेमेडी जो तीसरी है, अभी आपकी चॉइस है, वैसे मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग इसे करते होंगे। आपको करना क्या है, रोज सुबह उठ जाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, नहा धोकर आपको आपके मंदिर के सामने बैठ जाना है। अगर मंदिर के पास नहीं बैठ सकते तो जो घर में आपकी एकदम पीसफुल प्लेस है आप वहां बैठ जाइए, जिन भगवान की आप पूजा करते हैं उनका ध्यान करिए, और आपको कम से कम 21 डेज तक ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः 108 बार जाप करना है। सुबह करेंगे मॉर्निंग में, कोई नाइट में नहीं करेगा, मॉर्निंग में आप करेंगे, मैं भी बोल रही हूँ कोई नाइट में नहीं करेगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं कंफर्म करना चाहती हूँ। ओम क्लीम नमः का 21 डेज तक आप चैंट करेंगे। अब मैम 21 डेज कैसे करें, बीच में हमारे डेज आ जाएंगे, पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे, 5-7 डेज का ब्रेक ले लें, जब पीरियड्स आपके खत्म हो जाएंगे अगले दिन से फिर आप कंटिन्यू करना शुरू कर दें। सबसे पावरफुल मंत्रा माना जाता है अपनी मैनिफेस्टेशन को पाने का, और अगर आप 3-3 पोर्टल से इसे करना शुरू करोगे, दिस इज गोइंग टू बी वेरी मैजिकल, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी एक्सपीरियंस करोगे, मैनिफेस्टेशन पूरा होते हुए देखोगे, आपको बहुत मदद करेगा। तो द फर्स्ट रेमेडी जो मैंने बताई, विजन बोर्ड बनाना है, दूसरी टेक्निक जो मेडिटेशन में डालूंगी उससे आप कर लेना। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, चलो ये भी मैं बता देती हूँ, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो रात को, आफ्टरनून में कोई टाइम निकालो, मॉर्निंग में कोई टाइम निकालो, इवनिंग में कोई टाइम निकालो, तब कर लेना। और थर्ड रेमेडी ओम क्लीम नमः का 21 डेज तक चैंटिंग करना है, रोज 108 बार आपको करना है। सो दिस पोर्टल इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल फॉर ऑल ऑफ यू। इस बार हम कुछ अलग तरीके से मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि अब मैं बिगनर्स की भी हेल्प करना चाहती हूँ, जो ये सीरीज में आना चाहते हैं या जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना चाहते हैं, जरूर करिएगा इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई एम डैम श्योर ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। राधे राधे।